तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में नीलगिरी के जंगलों में हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई। अब उनके हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक सुलूर हेलीपैड से सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने से पहले क्या एयरफोर्स की तरफ से उस रूट पर टोही विमान भेजे गए थे, इसे लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सुलूर एयरबेस के एक अफसर ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा कि प्रोटोकॉल के तहत नीलगिरी के मौसम का अनुमान लगाने के लिए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टरों को रूट पर स्काउट करने के लिए भेजा गया था। हालांकि हम इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि क्या ये हेलीकॉप्टर वेलिंगटन हेलीपैड पर उतरे थे या बिना उतरे वापस आए थे। वहीं वेलिंगटन के मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के एक सीनियर अफसर ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा कि चूंकि MI-17V5 एक भरोसेमंद हेलीकॉप्टर है, इसीलिए वास्तविक तौर पर एक छोटे हेलीकॉप्टर की ओर से कोई भी ट्रायल रन नहीं किया गया था। हालांकि वेलिंगटन के जिस डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में सीडीएस अपना भाषण देने जा रहे थे, वहां के अफसर ने इस मामले पर बोलने का अधिकार नहीं होने का हवाला देते हुए इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ हादसे वाली जगह पर मौजूद चश्मदीदों का कहना है कि उन्होंने वहां कोई भी अन्य हेलीकॉप्टर नहीं देखा था और ना ही उसकी कोई आवाज सुनी। इन सब के बीच ये दोनों ही रिपोर्ट अपने आप में चौंकाने वाली और विरोधाभास से भरी हुई है। इस पूरी रिपोर्ट पर एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी रमेश कुमार का कहना है कि आमतौर पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के दौरे के समय 4 हेलीकॉप्टर मुख्य हेलीकॉप्टर के साथ उड़ते हैं। MI-17V5 को बहुत ही अनुभव वाले पायलट उड़ा रहे थे। यह हेलीकॉप्टर तकनीकी रूप से भी एडवांस था। मुझे शक है कि इसके दुर्घटनाग्रस्त होने में इंसानी गलती है। ऐसी स्थिति में बादल और कोहरा काफी घना होता है, जिसमें पायलट को कुछ सेकंड में ही निर्णय लेना पड़ता है। यही निर्णय कहीं गलत हुआ होगा। इधर इस मामले पर न्यूज 18 को विशेष सूत्रों ने बताया कि हादसा होने से पहले हेलीकॉप्टर के पायलट की तरफ से कोई इमरजेंसी कॉल नहीं की गई थी। सूत्रों के मुताबिक पायलट ने सुलूर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज दिया था और बताया था कि उन्होंने वेलिंगटन हेलीपैड पर उतरने के लिए उतरना शुरू कर दिया है। यह संदेश लैंडिंग से 7-8 मिनट पहले का था। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ऐसे में चॉपर के क्रैश होने से पहले क्या हुआ होगा, यह ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ही पता चलेगा। दूसरी तरफ घटना से पहले हेलीकॉप्टर का जो वीडियो सामने आया है, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर बेहद ही नीचे उड़ रहा था, वो अचानक घने कोहरे में गुम हो जाता है। ऐसे में जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी ठोस नतीजे पर पहुंचना महज जल्दबाजी होगी।